हाय एवरीवन, दिस साइड राकेश, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलिब्रिटी फेस इंडिया। और आज हमें अहमदाबाद में विथ रील स्टार अरियांशी शर्मा। तो अरियांशी, पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, कैसा लगा अहमदाबाद के फैंस से मिलकर आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। मॉर्निंग में मैं मार्केट भी गई थी, तो मेरे को यहाँ के लोग बहुत ज्यादा भोले, मतलब बहुत अच्छे स्वीट से लगे। वो मीम चल रहा है ना आजकल, पानी पानी वाला। तो मैं वहाँ पे जनरली बात कर रही थी, तो वो जो लेंस कार्ट वाले भैया थे वो पानी लेके आ गए, मतलब आपको पानी पीना प्यास लग रही है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं हम मीम की बात कर रहे थे। तो अरियांशी, ये बताइए, इतने सारे फैंस हैं आपसे मिले, आप पहले भी इवेंट कर चुके हैं जयपुर में और दिल्ली में भी हमारे फैशन शो के इवेंट किए हैं, अहमदाबाद में कैसा लगा? जो यहाँ के फैंस हैं आपके, मेल फीमेल फैंस, कैसा लगा फर्स्ट टाइम उनसे मिलकर आपको? अच्छा लगा, मेल्स ही बहुत ज़्यादा देखे मैंने, फीमेल्स तो कमी थी, बट ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और कैसा फील होता है जो अपने फैन से रियल में मिलते हैं, जो आपको इतना लाइक कमेंट करते हैं आपकी फोटो? आधे से ज्यादा शायद मतलब पता ही नहीं था, क्योंकि स्नैप जो मेरे स्नैपचैट पे फॉलो करते हैं कल, कम से कम 1000 से भी ज्यादा लोग मेरे को मतलब वो बोल रहे थे कि अहमदाबाद में कहाँ पे हो आप, कहाँ पे हो, हाँ उनको पता ही नहीं था। बट गाइस, जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, हम लोकेशन ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते, बिकॉज बहुत सारे फैंस आ जाते हैं, फिर उनको मैनेज करना बहुत इश्यूज होते हैं, इसीलिए सिर्फ एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। आपको भी अगर जो अरियांशी से मिलना है, बहुत जल्दी अरियांशी दिल्ली में आने वाली हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू मीट, रील्स बनाना है, वायरल वीडियोज बनाने हैं, नीचे नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करो एंड यू कैन मीट योर फेवरेट रील स्टार अरियांशी या और भी रील स्टार जैसे तुषार वगैरह, सबसे मिल सकते हो आप। और अरियांशी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप बहुत अच्छे कंटेंट बनाती हैं, वीडियोस बहुत बनाती हैं, लाइक भी बहुत आते हैं। जो लड़कियां घर में बैठी हैं, पहले भी हमने इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, बट टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो रही है, आज की डेट में जो गर्ल्स हैं जिनकी एज है 10 से 18 साल की और बनना चाहती है अरियांशी शर्मा, तो क्या करें? पहली बात तो मेरे जैसे बनने की ट्राई मत करो, जो तुम खुद हो वो ही बनो, बी अ स्टार इन योर सेल्फ। मैंने भी कभी किसी को सोचा नहीं कि मेरे को इसके जैसा बनना है, आई डिड द थिंग्स फॉर माई सेल्फ। और दूसरी चीज़ है, टेक्नोलॉजी वगैरह है वो चीज़, तो आई अग्री कि लोगों को क्लैरिटी, लोगों को पिक्चर्स वगैरह सब अच्छा चाहिए रहता है, बट अगर तुम पब्लिक को अपने से कनेक्ट करवाओगे, अपने तुमको पता होना चाहिए कि तुमको लोगों से कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी कॉन्टेंट तुम्हारा अच्छा होगा तो पब्लिक खुद तुमको पसंद करेगी। और फॉलोअर्स गेन करने उसके लिए क्या कुछ यही हैकिंग, 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 हैकिंग से फॉलोअर बढ़ेगा, कंटेंट से बढ़ेगा? और नहीं नहीं, कंटेंट से ही बढ़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे मैंने बोला ना, कनेक्शन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आधे ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है कि तुम बस वीडियोस रील्स बनाते रहते हो, आधे ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता तुम हो कौन, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या कर रहा है तुमने। तो वही अगर तुम उस कनेक्ट कराओगे पब्लिक को कि मैं यहाँ से हूँ, मैंने यहाँ से आई, मैंने ये सब करा है, अभी जैसे मैंने घर लिया अपना, तो मैं अपनी पब्लिक को बताती हूँ कि मैं ये इतना बन गया, ऐसा सा बन रहा है, तो वो लोग कनेक्ट करते हैं। तो जब तक कनेक्शन आपसे भी मेरी तभी बनती हूँ कि मैं और आपका कनेक्शन बिल्ड है। अगर आप एटीट्यूड में चलोगे मैं अलग, आपको सिर्फ मैं रील्स बताऊंगी, आप मेरे को रील्स के थ्रू जानते हो, उससे तो आई डोंट थिंक सो कि आप मेरे को पसंद करोगे। ऑब्वियसली वो तो है ही गाइस, अपने आप को सेल्फ जानना जरूरी है कि आप करना क्या चाहते हो, जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज मेकिंग आप भी बना रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। बनाओ दूसरों को देख के, आई डोंट से, बट सेम टू सेम मैंने तो आज तक, मैं इतना श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, मैंने कभी किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करा, मतलब जैसे उसने बनाया रील तो सेम टू सेम मेरा आज कोई भी रील सेम टू सेम कभी नहीं गया किसी की तरह। तो अपना खुद तुम बार बार, और जितना तुम होता है ना, जैसे बच्चा छोटे में ABCD सीखता है और फिर इंग्लिश बोलना सीखता है, वैसे तुम जितना बनाते रहोगे उतना ही, और जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो तो करते हैं, वो तो चीज़ें करते ही है, तो बचपन से करते हैं। एंड रील स्टार बनने में या कोई भी स्टार बनने में टाइम लगता है या बस क्विकली बन जाते हैं? पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, दो टाइप के तुम लोग फेमस हो सकते हो, पहला है कलाबरेशन करके, सेकेंडली है खुद की मेहनत से। खुद की मेहनत से अगर तुम लोगों को फेमस होना रहेगा तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, बहुत डेडिकेशन चाहिए और तुमको कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनाना है। सेकेंडली कोलैबोरेशन कर करके, जो तुमने मेरी प्रोफाइल में देखा होगा, आई हैवन्ट डन एनी कोलैबोरेशन विद एनीवन। मेरे को बहुत, जिनके मुझसे भी ज़्यादा फॉलोअर थे, मुझे मैसेज करते हैं कि अरियांशी हाय हेलो कुछ नहीं, लेट्स कोलैबोरेट। मतलब सॉरी आई डोंट कोलैबोरेट। वो तुषार के साथ थोड़ा मेरा वो है, तब मैं उसके साथ वीडियो बनाती हूँ, वरना मैं उसके साथ भी बनाना बिल्कुल प्रेफर, मतलब आई डोंट डू इट। मैं चाहती हूँ लोग, मैं जो बना रही हूँ उससे मुझे पसंद करें, क्योंकि किसी और का ऑडियंस नीचे है, मुझे कोई बोले अच्छा ये तो उसकी वो है ये है, वो मेरे को मज़ा नहीं आता। अच्छा तुम उसके साथ वीडियो बनाते हो, नहीं, मैं ट्राई करती हूँ यूट्यूब हो, चाहे मेरा स्नैपचैट हो, चाहे मेरा रील्स सेक्शन हो। मैं टिकटॉक मैंने बहुत लेट में ज्वाइन करा, आई थिंक मैंने पहले ज्वाइन किया तो शायद मैं आज और फेमस होती,
बट लेट इट बी, जब मैंने ज्वाइन करा तब भी मेरा अकेले का एक सिंगल वीडियो था वो 10 मिलियन गया था। यहाँ पे भी मेरा अभी रिसेंट एक साड़ी मैंने पोस्ट किया वीडियो, वो भी 2 मिलियन तक हिट करने वाला है। तो अकेले ट्राई करो, तुम जितना खुद को डिस्कवर करोगे ना उतना तुम आगे बढ़ पाओगे, वरना तो यानी आपका कहना है कि सेल्फ मेड इंडिविजुअल चलो ज्यादा अच्छा है, इंडिविजुअलिटी ही मैटर करेगी। तुम इंडिविजुअल सबसे बड़ी बात है ना, कितने बड़े बड़े स्टार्स भी है, इंडिविजुअलिटी ही, कोलैबोरेशन भी जरूरी है। आई डोंट से कोलैबोरेशन जरूरी, ग्रुप में भी बहुत लोग पॉपुलर हैं आज के डेट में, कुछ टीम 07 ले लें, बहुत सारे फ्रेंड्स उनमें से, सॉरी टू से ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, टीम 07 इतना बड़ा नाम लिया आपने, बट उनमें से देखो ना जो मिस्टर फैजू हैं वो ही, उनसे भी मेरी बात होती है, बहुत अच्छे मतलब नेचर वाइज भी, बट उनमें से देखो ना वही आगे बढ़ पाए, भले वो ग्रुप में चले सब, और वो टिकटॉक का ज़माना था वो अलग था, बट तुम जब सेल्फ अपनी चीज़ दिखाते हो ना लोगों को कि ये, तो लोग ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करते हैं। यूट्यूब की वीडियोज़ बनानी है कुछ बड़ा कॉन्टेंट, उसके लिए ऑब्वियसली तुमको लोग लगते हैं, ऐसा आर्यन जी का यही कहना है गाइस, 100% अपने को दिखाओ तो ज्यादा पॉपुलर बनोगे अपना। अगेन एक ऐसा नहीं है कि बड़ा सेलिब्रिटी के साथ मतलब हमको ये बनाना है फॉलोअर्स, वो फॉलोअर्स तुमको उसके लिए फॉलो करेंगे कि अच्छा ये भी उसको वहां दिखेगा, खुद को दिखाओ जितना हो सकता है। अगर वहाँ से भी कोलैबोरेशंस कर रहे हो तो भी खुद को लाइव आओ, लाइव में लोगों को ज्वाइन करो, पूछो उनसे क्या बात, क्या मतलब जो भी तुम्हारा रहता है, इंटरेक्शन करो, लोग तुम्हें पसंद करेंगे तो सब लोग आते हैं फिर पीछे। और एक ये पूछना है आपकी सीक्रेट क्या है, इतना आप कैमरा फ्रेंडली हो, इतना बोल्ड बात करते हो, कॉन्फिडेंट हो, ये कहाँ से आया आप में? पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद मेरे घर वालों ने मुझे कैमरे से बहुत दूर रखा था, मैं इसकी तरफ जाती गई, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। वी कैन सी कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो, अपने हर कंटेंट को लेके आप कोई भी अटायर पहनते हो बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, तो उसका कोई सीक्रेट राज, कोई सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो या किसी आइडल है कोई आपकी जिनको आप देखते आ रहे हो? मुझे शुरू से तो क्या, मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद है, हाँ मतलब बहुत पसंद है मुझे उसका एक्टिंग, मुझे उसका तो एक उसका ही है मैं देखती हूँ, बाकी तो आई टोल्ड यू मैं खुद से ही जो मेरे को होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो गाइस ये हैं आर्यांशी शर्मा, बहुत अच्छा लगा आर्यांशी से बात करके, बहुत सारी बातें की हमने, एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर जो आप सबको मिलना है आर्यांशी शर्मा से, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, और अगेन आगे भी इंटरव्यू आता रहेगा, अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे जुड़े हुए, आगे और क्वेश्चंस पूछेंगे बहुत जल्दी। टिल देन थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू अहमदाबाद एंड गुजरात सेलिब्रिटी फेस को आपने हमेशा प्यार दिया है, चाहे रियाज का इवेंट रहा हो, मनीषा रानी हमारी बिग बॉस OTT में आ रही है। जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो सेलिब्रिटी फेस अहमदाबाद आया वो हाई लेवल पे पहुंच रहे हैं, चाहे रियाज हो, मनीषा रानी हो, रीम शेख हो, आर्यांशी शर्मा को हम कहाँ देखेंगे, बिग बॉस, बिग बॉस OTT या कोई रियलिटी होता तो मैं इस बार कर देती, रियलिटी शो भी करना होता तो मैं कर देती, बट वो अभी थोड़ा टाइम में आई डू इट। चलो थैंक यू सो मच आर्यांशी, एंड बेस्ट विशेस टू यू एज वेल, थैंक यू सो मच अहमदाबाद एंड लव यू गुजरात, बाय बाय, टेक केयर।